आपको नहीं चाहिए ना स्वर्ण भवन, तो ठीक है हमारे नाम कर दो। क्या मजाक कर रही हो आप? मजाक नहीं कर रहे। वैसे भी आप सबके लिए स्वर्ण भवन तो संस्कृति की धरोहर है, फिर आप इसे बिकने कैसे दे सकते? वो तो हम सही समय पर आ गए और हमने कनिका को स्वर्ण भवन बेचने से रोक दिया, वरना आज तो आप सब। मानते हैं कि तुमने स्वर्ण भवन को बिकने से रोका, गलत हाथों में जाने से रोका, और हम सब इस बात के लिए बहुत खुश हैं कि तुम कनिका की सच्चाई सबके सामने ले आई। लेकिन राज के बहुत एहसान है हम पे आप, और आज भी वो हमें स्वर्ण भवन दे रहा है। स्वर्ण भवन हमारा है नहीं तो तुम मांग कैसे सकती हो? और अगर तुम्हें याद हो तो एक समय ऐसा भी था जब पापा ने स्वर्ण भवन तुम्हारे नाम कर दिया था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं चाहा क्योंकि तुम्हें लगा कि परिवार में ऊंच नीच हो जाएगी। तो आज क्या हो गया? करण, आभा बिल्कुल सही कह रही है। क्या सही कह रही है? और मैं देख रहा हूं कि आप हर बात पे आभा का साथ देती हैं। आप लोगों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई है। इसकी वजह जान सकता हूं? नहीं करण, वो करण, आभा जो करती है वो बिल्कुल ठीक करती है। करण, आभा ने आज तक इस घर के लिए कोई गलत फैसला नहीं लिया है, और मुझे नहीं लगता कि ये भी कोई गलत फैसला है। और मैं इस घर का सबसे बड़ा सदस्य हूं और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर मुझे नहीं है तो इस घर के किसी भी सदस्य को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पापा, स्वर्ण भवन हमारा। करण सुनो, मैं सिर्फ एक बात ही कहना चाहूंगी, हम जो गलती हमेशा करते हैं उसे इस बार ना दोहराएं तो अच्छा होगा। हम लोग हमेशा आभा को गलत समझते हैं, लेकिन अंत में यही सही साबित होती है। वैसे आप लोगों के बीच में मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, मगर आभा ये जो मांग कर रही है ना, वो गलत है। इस घर की बहू है वो, और अपने ससुर से ऐसे कैसे मांग कर सकती है वो? मामी जी, आभा जो कह रही है वो ठीक कह रही है। देखिए, ये बात हम सब लोग जानते हैं कि आभा इस घर की केवल बहू नहीं है बल्कि कुल वधू है। उसने हमेशा इस घर की खुशियों का ख्याल तो रखा ही है, लेकिन इस कुल का मान भी हमेशा रखा है। तो प्लीज, वो ठीक कह रही है। सही बात है करण, अगर स्वर्ण भवन किसी का होना चाहिए, अगर किसी को हक है तो वो आभा को ही है। हाँ करण, और आभा के अलावा और कोई जिम्मेदार भी तो नहीं है इस घर में। क्या क्या सपने देखे थे मैंने, और क्या हो गया? स्वर्ण भवन इस स्वर्ण आभा के हाथ लग गया, और तू तो बस लार टपकाती रह गई। अब इस आभा से दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी तुझे। तुम ठीक कह रहे हो राज, जब इस घर के सारे सदस्य इस डिसीजन से राजी हैं तो मुझे लगता है तुम्हें स्वर्ण भवन आभा के नाम कर देना चाहिए। राम मरिया, कितने भोले लोग हैं ये सब, और यो छम्मक छलो बिना वजह ही बदनाम करे थे इन्हें भी और आभा ने भी। कितनी काबिल, कितनी नेक होगी बा आभा, जिस पर इन सबको इतना भरोसा है।
एक मिनट वकील साहब। हम ये जानते हैं कि लालच हमारी आभा के संस्कारों में नहीं। हम ये भी जानते हैं कि जिस वजह से आभा ये धरोहर अपने नाम करवाना चाहती है, ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाना चाहती है, हमें ये विश्वास है कि वो ये जिम्मेदारी पूरी श्रद्धा पूरी ईमानदारी से निभाएगी। ये उम्मीद करते हैं कि एक पिता एक ससुर का सर कभी नीचे झुकने मत देना। ठाकुर साहब, मुझे आभा पर पूरा भरोसा है। झूठी रिपोर्ट बनवाएगी तो मैं डर जाऊंगी। वाश थोड़ी गर्दन काट ना दीनो। मेरा नाम भी और बीजी ने। मन ने भी बहुत दुख हो गया। थारी माँ थारे से दूर हो गई और धीरे धीरे माँ भी समझने लगी। थारी माँ इतनी बुरी ना थी जितनी वो चम्मक छलो बोले। हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर अपने ही घर वालों का बुरा करना चाहे। क्या तू भूल गई, तेरे भाई का ऑपरेशन अब तक हुआ नहीं है। देख क्या लिखा है डॉक्टर ने, ऑपरेशन जितना जल्दी हो सके ना उतना अच्छा है। एक उम्र के बाद अगर ऑपरेशन हो भी गया तो भी तेरे भाई का भाव ठीक नहीं होगा। अब तो सोच ले, तुझे ये नकली रिश्ते निभाने हैं या अपने भाई की जिंदगी बचानी है। कसम खानी, अगर बिट्टू की जिंदगी का सवाल ना होता ना तो मैं ऐसा कभी ना करती। छोड़ूंगी नहीं उससे कंपनी को। डॉक्टर साहब, हाँ वो आपने मेरे भाई बिट्टू की जो रिपोर्ट भेजी थी, क्या ये सच है कि उसका ऑपरेशन? कौन सी रिपोर्ट? मैंने तो कोई रिपोर्ट नहीं भेजी आपको। अरे आपने ये रिपोर्ट, आपने कोई रिपोर्ट नहीं भेजी? सानी टेढ़ी चाल चल रही है मेरे साथ, उसको सीधी करती हूँ मैं। तुम खिला क्या था, झूठी रिपोर्ट बनवाएगी तो मैं डर जाऊंगी। थोड़ी गर्दन काट ना दीनो। मेरा नाम भी बीजी ने। मानती हूँ कि मैंने गलत कहा, लेकिन डॉक्टर ने ये भी तो नहीं कहा ना कि उसका इलाज एक दिन में हो जाएगा। तू बस इसी तरह मेरा साथ देती रहे, फिर तू देखना कि बिट्टू चलेगा भी और दौड़ेगा भी। लेकिन हमारे भलाई के लिए तुमसे कह रही हूं, अगर मेरा प्लान चौपट हो गया ना तो कहीं ऐसा ना हो कि धोखाधड़ी के केस में तुम्हें भी जेल जाना पड़े और फिर तुम्हारा बेचारा बिट्टू तुम्हारे उस शराबी मामा के पास। सोच लो। सोच रही हूं, इसीलिए तो तू जो बोल रही है वो कर रही हूं। मजबूरी में भी मैंने थारी बात रखी,
अब थारी भलाई इसी में है कि तू जल्द से जल्द हमारे बिट्टू का इलाज करवा। अभी के अभी डॉक्टर को फोन कर और उसको बोल बिट्टू का इलाज करने के लिए। देख तूने मेरा साथ देकर मेरी मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ाया है, इसलिए तुम्हारे बिना कहे ही मैंने तुम्हारे डॉक्टर साहब को फोन करके ऑपरेशन की डेट फिक्स भी कर दी है। सच कह रही है ना? देखो मैं जबान की बिल्कुल पक्की हूँ, तुम इसी तरह मेरा साथ देती रहो और मैं बिट्टू का इलाज जल्द से जल्द शुरू करवा दूंगी। बस ऑपरेशन की डेट से पहले तुम्हें आभा को सबकी नजरों से गिराना है। इतना गिराना होगा कि ये घर वाले उसे स्वर्ण भवन से ही नहीं अपने दिल से भी निकालकर बाहर फेंक दे। बस वैसे मानना पड़ेगा आजकल तुम डायलॉग्स बहुत अच्छे बोल रही हो, कहां से सीखा तुमने ये सब? कुछ बातें दिल से भी निकलती हैं, सीखने की जरूरत नहीं होती। अच्छा छोड़ो ये सब बात, स्वर्ण भवन की चाबियां मुझे दे दो, मैं उन्हें संभाल के रखती हूँ। वैसे भी वो तुम्हारे कमर पर शोभा नहीं देती। चल निकल। बहुत पछतावे की तो चम्मक। चलो बलबिली ने एक से एक लोगों को सीधा किया, हरी बारी भी जल्दी आएगी। शांत के लिए स्वेटर बना रही हो ना? और तुमने पूरा उनका गोला उलझा दिया है ना? आप जाइए ना इसे कहीं लेकर घूमिए जरा। दादी ने बनाया स्वेटर कितना जचेगा ना निशांत पर, है ना? बोत पोत लिया तूने मक्खन सासू माँ पर छमक छलो, लेकिन इन बच्चियों को थारे इन घटिया हरकतों का शिकार ना होने देगी अलबेली। मम्मी जी हम पिताजी से मिलने जा रहे हैं। इस वक्त? हाँ, वो इतने दिन से हम सब वहाँ रह रहे थे और आज वहाँ कोई नहीं होगा, और हम बचपन से पिताजी को जानते हैं, वो अकेलेपन से बहुत घबराते हैं, इसीलिए हमने सोचा। धन्य है ठाकुर साहब जिनको तुम्हारी जैसी बेटी मिली बेटे। नहीं पापा, धन्य तो वो परिवार होता है जिनके घर में लक्ष्मी पैदा होती है। हम सच कहें आपसे, पिताजी ने कभी भी हमें बेटे से कम प्यार नहीं दिया है, हमेशा प्रकाश भैया से ज्यादा ही प्यार मिला है हमें और लता दीदी को। हाँ लेकिन बेटा ये लोग ये बात समझ थोड़ी पाते हैं। हाँ पापा, वैसे माँ बाप के मन को उनके सुख दुख को सिर्फ बेटियां ही समझ सकती है, और हमें पूरा विश्वास है अस्मी और पावनी बहुत काबिल बेटियां साबित होगी। बिल्कुल सही कहा आभा ने। मैं तो ये मानता हूँ कि लड़कियां जो होती है ना वो कई मायनों में ना लड़कों से भी बेटर होती है। अभी आप देश का कोई भी बोर्ड एग्जाम देख लो, टॉपर कौन होती है? हाँ? हमेशा लड़कियाँ। इसलिए तो हमारे देश में किरण बेदी, साइना नेहवाल, कल्पना चावला, हाँ झांसी की रानी भी। बिल्कुल हाँ। और भैया लड़के सिर्फ एक परिवार को संभालते हैं, पर लड़कियाँ तो दो दो परिवार को संभालती है। सिर्फ लड़कियाँ ही संभाल सकती है। आभा, आते वक्त मार्केट से दो स्वेटर के लिए उनके गोले ले आना, और सुनो प्यारा सा कलर लेकर आना। अस्मी और पावनी के लिए मुझे स्वेटर बनाना है। तारी रारी, तारी रारी।
सॉरी बेटा, बहुत दिन तक तुम अपने प्यार से वंचित रखना। दो चार किताबी बातें करके कोई मेरी बेटी की अहमियत कम नहीं कर सकता इस घर में। उसका हक सबसे ज्यादा है इस घर पे और हमेशा रहेगा। देखा तूने पावनी, कैसे अलबिली ने एक मिनट में थारी दादी को समझा दिया कि छोरा छोरी एक होवे है, हैं? अलबिली तो बहुत चालू है, पर थारी जो चाची है ना, एक नंबर की कमीनी औरत है। कैसे इतने अच्छा लोग आमा, कैसे आ गई वो? हाँ, अरे रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। ये देख खिलौना, ये देख खेल। तारा पापू आएगा ना, उसके बाद ही सोना। अभी नहीं, अभी नहीं। खेल खेल। हाँ, एक बात कहूँ, थारो बापू है तने बुरा लगेगा, पर बहुत चिपको है साला, जब देखो तब। पुराने घर में ही अच्छो, सारी लुगाया एक कमरे में और मर्दा दूसरा कमरे में, चिंता ही ना थी। अरे देख, रोना रोना मत। देख, थारो बापू आएगा ना, उसके बाद ही हम सोएंगे। हाँ, थारे बापू आएगा उसके बाद। सो जा पावनी, सो जा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, पावनी करे तो फूल। धीरे धीरे, आराम से। प्याज इस तरह नहीं सोएगी। नींद नहीं आ रही आपको? अरे नहीं नहीं वहां, इधर इधर सुला देते हैं ना पावनी को, वो रात को बिचारी रोएगी तो। पापा की बस सुई, पापा की बस।
पहली बार तुम्हारे इतना पास होकर भी इतना दूर महसूस कर रहा हूं। अब तुम्हारी धड़कनें तो मेरी धड़कनों के साथ चला करती थी, लेकिन पता नहीं आज क्यों वो धड़कन अलग सी महसूस हो रही। मेरा दिल जैसे मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा कि तुम नहीं।